बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर एकेडमी गुजर खान। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है 9th क्लास फिजिक्स का, और इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1.2 फिजिकल क्वांटिटीज। हम ये देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है, और ये फिजिक्स में कैसे यूज होती हैं, उनकी क्या टाइप्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ या ऐसी मकदारें जिनको आप मेजर कर सकते हैं, आप माप सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लेंथ है हमारे पास, मास है, टाइम है और टेम्परेचर, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी पोजेसेस एट लीस्ट 2 करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। फिजिकल क्वांटिटीज़ में 2 खसूसियात ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं। 1 इज इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, द अदर इज यूनिट इन विच इट इज़ मेजर। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, एक तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है, और दूसरा जिसमें आप मेजर करें वो यूनिट। फॉर एग्जाम्पल अगर मिसाल दूँ तो कि इफ़ द लेंथ ऑफ द स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर, हम कहते हैं स्टूडेंट है उसकी लेंथ 104 सेंटीमीटर है, देन 104 इज इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। फिर 104 क्या होगा, इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा, एंड सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो सेंटीमीटर वो यूनिट होगा जिसमें हम इसको मेजर करेंगे। सिमिलरली व्हेन अ ग्रोसर सेज दैट ईच बैग कंटेन 5 किलोग्राम शुगर, ग्रोसर जो है जो कि आपका स्टोर से रिलेटेड आप कह सकते हैं, या ग्रोसरी की जो शॉप होती है, ठीक है, उसकी आप बात करें कि वो कह रहे हैं कि 5 किलोग्राम शुगर बैग है हमारे पास, ही इज डिस्क्राइबिंग इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एज वेल एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी डिस्क्राइब करें और साथ साथ इसका यूनिट भी। तो 5 क्या है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और किलोग्राम क्या है यूनिट। सो इट वुड बी मीनिंगलेस टू स्टेट 5 और किलोग्राम ओनली। तो आप स्टोर पर जाते हैं और आप कहते हैं मुझे 5 चीनी चाहिए, ठीक है, या किलोग्राम चीनी चाहिए, तो ये मीनिंगलेस होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों को आप एट द सेम टाइम यूज करें। फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 सब क्वांटिटीज में डिवाइड करते हैं, एक है हमारे पास बेस क्वांटिटीज और दूसरी हमारे पास आ जाती है ड्राइव क्वांटिटीज। ये 2 टाइप्स हैं जो कि जनरल है बिल्कुल फिजिकल क्वांटिटीज की। अब हम इनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस क्वांटिटीज की। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच फ्रॉम द फाउंडेशन फॉर द अदर फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास 7 किस्म की ऐसी बुनियादी मकदारें या क्वान्टिटीज होती हैं जो कि बाकी क्वान्टिटीज़ के लिए मेन होती हैं, यानी उनसे बाकी क्वान्टिटीज़ बनती हैं, ठीक है। तो बेस क्वान्टिटीज से बाकी ड्राइव क्वान्टिटीज़ बनती हैं। बेस क्वान्टिटीज जो होती हैं ये ड्राइव क्वान्टिटीज़ का बेसिस होती हैं। दीज फिजिकल क्वान्टिटीज आर कॉल्ड द बेस क्वान्टिटीज। दीज आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इनमें से कौन कौन सी हैं, हमने ज़ुबानी याद कर लेनी है सारी। लेंथ हो गई है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो बेस क्वान्टिटीज आर द क्वान्टिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वान्टिटीज आर एक्सप्रेस, ठीक हो गया। ड्राई क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, दोज क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। ऐसी बुनियादी ऐसी मकदारें जिनको हम बेस क्वांटिटीज के टर्म में डिस्क्राइब करते हैं आर कॉल्ड द ड्राई क्वांटिटीज। द क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राई क्वांटिटी। इनमें कौन कौन सी, इनमें बहुत सारी आ जाती हैं लेकिन कुछ की एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है, दैट इज एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सारी क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि हमारे पास किससे बनती हैं, बेस क्वांटिटीज से। तो बेस क्वांटिटीज स्टूडेंट्स मिलके क्या बनाती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज। तो हमारा आज का जो लेक्चर है इसका रिव्यू ये है कि हमने बेस क्वांटिटीज को पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज को सीखा कि क्या क्वांटिटीज होती हैं, ऐसी मकदारी या क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। और इसके लिए 2 चीज़ें जरूरी होती हैं, एक तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और एक यूनिट जिसमें इसको मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास एक स्टूडेंट है उसकी जो लेंथ है वो 104 सेंटीमीटर है, तो फिर हम कहेंगे 104 इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और सेंटीमीटर इसका
इसका यूनिट है। इसी तरह 5 किलोग्राम में 5 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और किलोग्राम यूनिट है। फिर हमने ये पढ़ा कि दो तरह की हमारे पास क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटीज की बेस होती है ड्राइव। बेस क्वांटिटीज वो होती हैं जो बुनियाद होती है दूसरी क्वांटिटीज के लिए, जिससे दूसरी क्वांटिटीज बनती है। जिसमें मैं कहता हूँ कि ईंटों से दीवार बनती है, इसी तरह बेस क्वांटिटीज से ड्राइव क्वांटिटीज बनती है। ठीक है, तो ड्राइव क्वांटिटीज वो होती हैं जो कि बेस क्वांटिटीज से बनती है, जो कि बेस क्वांटिटीज पर इनकी फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करती है। आई होप दैट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें और हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।